गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास बी एड डिटेलिंग. नमस्कार. एंड दिस इज़ योर सेकंड क्लास ऑफ ओटेट. एंड ओटेट का जो भी पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी ओवर. एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो भी डिफरेंसेस हैं. ऑलरेडी मैंने डिफरेंसेस कल भी आप लोगों को मेंशन कर दिया था. उस पॉइंट पे आप लोगों को सब कुछ पता है, फिर भी एक्स्ट्रा नोट्स मेरे पास अवेलेबल थे तो वो नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है. ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का थोड़ा सा रिकॉल करवा रही हूँ. दैट इज़ ग्रोथ आपका जो होता है वो आपका क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, एंड आपका जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव इन नेचर होता है. ठीक है, क्वालिटेटिव इन नेचर, क्वांटिटेटिव इन नेचर. बट नाउएडेज एक नए तरीके से हम लोग चेक करें, क्योंकि डेवलपमेंट के विद इन ही ग्रोथ आता है, तो उस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर होता है. अगर ऑप्शन में आपके पास मेंशन हो कि डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव इन नेचर, क्वांटिटेटिव इन नेचर, बोथ, नॉन ऑफ दीज, तो बोथ जहाँ पर मैंशन होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा. सो इसके बाद आपको पता है कि ग्रोथ रेफर्स टू द फिजिकल चेंज ऑफ एन इंडिविजुअल. कोई भी एनी पार्ट में फिजिकल चेंजेस होने से उसको हम ग्रोथ बोलते हैं, हाइट, वेट, साइज, लेंथ एक्सेट्रा. बट डेवलपमेंट में क्या था, ओवरऑल चेंजेस में चल रहे थे. ग्रोथ इज प्योरली फिजिकल सेंस में यूज़ होता है, बट डेवलपमेंट ऑल एस्पेक्ट्स को लेकर चलता है, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल एंड एनी अदर अगर लैंग्वेज बिहेवियरेबल भी है वो सभी. ग्रोथ इज ऑनली ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. ये भी कल मैंने आपको डिस्कशन कर दिया था, ग्रोथ ऑनली पार्ट है डेवलपमेंट का. डेवलपमेंट इज़ ए कम्प्लेक्स एंड कम्प्रीहेंसिव प्रोसेस. अच्छे से याद रखो, ये सारे टर्म्स आपको बहुत यूजफुल लगेंगे. कम्प्लेक्स है एंड कम्प्रीहेंसिव है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ग्रोथ इज लिमिटेड टू ए सर्टेन एज. सर्टेन एज के बाद ग्रोथ बंद हो जाता है, बट डेवलपमेंट स्टॉप नहीं होता. तो ग्रोथ इज लिमिटेड, जब वो एंड होता है तो मैच्योरेशन आ जाता है. ठीक है, चेंजेस प्रोड्यूस बाय द ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर डायरेक्टली. अगर हम ग्रोथ में कोई भी चेंजेस देखते हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसका यूनिट्स मेंशन होते हैं. बट डेवलपमेंट क्या है ना, डेवलपमेंट चेंजेस हैं जो कि इम्प्रूव करते हैं आपके और भी फंक्शंस को. डायरेक्टली हम उसको मेजर नहीं कर सकते, ये रिमेंबर रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आएगा. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट में आपका मेंशन है, ग्रोथ फोकस ओनली ऑन वन एस्पेक्ट. अगर ग्रोथ का हम फंक्शन देखते हैं या फिर एस्पेक्ट देखते हैं, तो ग्रोथ ओनली एक एस्पेक्ट पे काम करता है एट अ टाइम. वो ओनली फिजिकल एस्पेक्ट पे ही काम करता है, जो कि आपका बॉडी साइज और हाइट वेट के अकॉर्डिंग होगा. बट डेवलपमेंट आपके वेरियस एस्पेक्ट्स के साथ काम करता है, जैसे कि इंटरपर्सनल स्किल, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा. ग्रोथ आपका क्या होता है, वो एक्सटर्नल होता है, बट डेवलपमेंट आपका इंटरनल होता है. ग्रोथ स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर में दिखता है, बट आपका डेवलपमेंट फंक्शनल होता है. देखो, हर एक लाइन में क्वेश्चंस आ सकते हैं. हमें टारगेट 30 का लेके चलना है, 30 इंपॉर्टेंट है, 30 के 30 मार्क्स आपके पास आ जाएंगे. सीटेट, ओटेट, केवीएस, ओवीपीएस, जो भी जेटी, एसएसटी, जिसमें आपको अप्लाई करना है आप इसी को पढ़ के चलो. ग्रोथ इज स्ट्रक्चरल एंड डेवलपमेंट इज फंक्शनल. हो गया. ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेवलपमेंट. ग्रोथ इन्फ्लुएंस्ड होता है डेवलपमेंट के थ्रू. डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट. ठीक है, एंड इट डजंट डिपेंड अपॉन द ग्रोथ. ये ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, अभी कुछ प्रिंसिपल्स को लेकर आई हूँ. प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी. मैंने आपको पहले भी बोला था कि डेवलपमेंट एक बार स्टार्ट हो तो एंड्स होता है डेथ में. मतलब उम पीरियड से स्टार्ट होगा, गर्भाशय से आरंभ होगा, एंड होगा आपका डेथ पीरियड में. ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू ग्रो ग्रेजुअली. जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होते हैं, ग्रो करने लगते हैं. ये होता है कंटिन्यूटी. प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न. पता है, मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न कल भी समझाया था. सपोज हम देख रहे हैं कि 6-7 बच्चे हैं, तो 6-7 बच्चों का एट ए टाइम बर्थ हुआ है, उनका पैटर्न जो ग्रोथ का पैटर्न है, या फिर हम बोलते हैं डेवलपमेंट का पैटर्न है, वो ग्रोथ में सेम नहीं रहता बट डेवलपमेंट में सेम होता है. मतलब पहले इन्फांसी, उसके बाद आपका चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस ही आएगा. अगेन एग्जाम्पल और एक दिया जाए तो बच्चा पहला स्टार्ट करता है क्रॉलिंग करना, वो सडनली वो जंपिंग और रनिंग में नहीं चला जाएगा. वो बाय बर्थ वो धीरे धीरे जैसे थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होता है, उसके बाद वो पहले क्या करना स्टार्ट करता है, क्रॉलिंग, देन क्लिप करता है, फिर स्टैंड करता है, फिर वर्क करता है. तो इसी पैटर्न के थ्रू हम लोग सारे बच्चे बड़े हुए हैं, इसलिए इसको यूनिफॉर्म पैटर्न बोलते हैं. स्टेजेस यूनिफॉर्म है बट रेट, पेस, रिदम सबका अलग अलग हो सकता है, पैटर्न सेम रहेगा. प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. ये तो आपको बोला गया है कि बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों मिलके क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का. इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं, बोथ इंपैक्ट डालते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशन. डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन 5 एस्पेक्ट. देखो 5 एस्पेक्ट पे काम करते हैं. PCEMS. ठीक है, अगर हम लोग सीक्वेंस देख ले तो PCS के बाद EM एक साथ आ सकता है. PCS के बाद EM आता है. एंड पता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, मोरल एंड सोशल सब कुछ इंटरलिंक्ड हैं. अगर ये 5 उंगली हैं तो 5 उंगली एक दूसरे के साथ मिलके मुट्ठी बनते हैं ना, वैसे ये इंटरलिंक्ड है.
ठीक है, इंटरलिंक्ड होके चलता है. नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल. हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं. कल भी मैंने आपको मेंशन किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको मेंशन करवाया था, तो उसमें भी आपका लिखा गया है. सो डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल. इट हेल्प्स अस टू नो द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पैटर्न. पैटर्न में बोल रही हूँ, पैटर्न सेम रहेगा, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट सेम रहेगा. जिस सीक्वेंस में होना चाहिए वही सीक्वेंस में आएगा, बट मे बी रेट रिजेंबल ना करें. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को बस पढ़ा रही हूँ, इसको पढ़ो तो सीटेट रोटेट जितना वो स्टेट जो भी एग्जाम्स हैं आप क्रैक कर सकते हो वन टाइम पढ़ के. देखो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट प्रोसीड करता है तो उसका कुछ डायरेक्शन होगा ना. सो वो सेफालो कोडल में चलता है. पहले बता दूँ सेफालो मतलब होता है सर, और कोडल मतलब होता है आपका फूट. ठीक है, सॉरी. तो सेफालो कोडल, तो डेवलपमेंट प्रोसीड इन ए डायरेक्शन हेड टू फूट. ठीक है, इधर से इधर जाएगा डेवलपमेंट, सर से लेके पैर तक जाएगा डेवलपमेंट, ऐसा चलेगा. द चाइल्ड फर्स्ट गेंस कंट्रोल ओवर हिज हेड. देखना, जिस बच्चे का सर बहुत भारी होता है वो बचपन में उठ नहीं पाता, तो वो पहले सीखता क्या है, कंट्रोल करना अपने ब्रेन को, अपने हेड को. आफ्टर दैट आर्म्स लेग्स, उसके बाद यूज़ करना सीखेगा एंड उसको यूज़ करके वो खड़ा होगा. ठीक है, ये सेफालोकोडल का डेवलपमेंट है. अगर मैं बोलूँ प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और फ्रॉम नियर टू डिस्टेंस. तो ऐसे सोच लो ये एक्सिस पॉइंट है. ठीक है, ये एक्सिस में चल रहा है, तो इस एक्सिस से मैं सर्कुलर वे से देख रही हूँ, सर्कुलर वे से देखूँगी. ठीक है, सो ये मेरा क्लोज कॉन्टैक्ट में है, पास में प्रेजेंट है, ये मेरा दूर में प्रेजेंट है. तो डेवलपमेंट प्रोसीड करता है सेंट्रल पार्ट से दूर की तरफ, सेंट्रल पार्ट टू दूर की तरफ. बीच से आया फिर ग्रो किया, सराउंडिंग में चला जाएगा, इतना ही है. और एक डेवलपमेंट है आपका, मतलब हमारा बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में, स्पाइडर. डेवलपमेंट लीड्स फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, वो इजी टू कॉम्प्लेक्स में ही होगा. नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. पता है इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या बोलते हैं, देर आर लॉट ऑफ पर्सन इन द वर्ल्ड, राइट. हेरिडिटी सबको इफेक्ट करता है, एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस भी सबके ऊपर है. सो हमारा हेल्थ कंडीशन, हमारा फूड हैबिट, हमारा पढ़ने का स्टाइल, मोटिवेशन, सोशल रिलेशनशिप, हमारा जो बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू अगर चेक किया जाए, सब कुछ अलग अलग होता है और जिसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स में हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज़ के साथ आए हैं. इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. ठीक है, अभी देखो स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, नेम ऑफ दी स्टेज लिखो, प्रीनाटल. प्रीनाटल का मतलब हो गया कंसेप्शन टू बर्थ, इन्फेंसी, 0 to 2 years, अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 years, लेटर चाइल्डहुड एक्चुअली 6 to 12 years भी मेंशन है बहुत सारे बुक्स में, बट अभी के न्यूएस्ट बुक में जो मेंशन हो रहा है वो 6 to 10 हो रहा है, कुछ में 6 to 12 भी है. तो दोनों याद रखो, जो ऑप्शन में रहेगा, अगर ऑप्शन में दोनों है 6 to 12 आपका मेंशन है तो आप 6 to 12 मारेंगे. एडोलेसेंस में 11 to 18, तो आप उसके अकॉर्डिंग 12 to 18 भी हो सकता है. एडल्टहुड में आपका 18 एंड एबव, मतलब 18 प्लस से जितना भी एबव आएगा. अभी देखो फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं. पहला तो दो फैक्टर्स आपने अभी पढ़ लिया, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. हेरिडिटी बाय कैरेक्टर अगर देखा जाए ना, हमारे पास जो कैरेक्टर्स आते हैं अपने पेरेंट्स से लेके हमारे पास आ रहे हैं, तो वो कैरेक्टर बाय क्रोमोसोम और जीन के थ्रू पास ऑन कर रहे हैं, वही हेरिडिटी है. तो जस्ट लाइक हमारा स्किन कलर, आई कलर, हेयर टेक्स्चर, हमारा टैलेंट, हमारा बॉडी बिल्डिंग करना, हाइट, सब कुछ हमारे पेरेंट्स से ही आते हैं, ये हेरिडिटी है. ठीक है, सो हेरिडिटी चेंज भी होता है म्यूटेशन के थ्रू, जब सडन चेंज हो जाए खाने पीने में कुछ भी, तो हमारा हेरिडिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है. प्रीनाटल एनवायरनमेंट मतलब हम जहाँ पे बर्थ से पहले थे, मतलब मदर उम का भी एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए. इफ द मदर, मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर मदर को फूड न्यूट्रिशन नहीं मिला या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिला, या फिर मदर बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं और टेक सम मेडिसिन, तो सफर फ्रॉम सम डिजीजेज और सर्टन डिजीजेज, दैन ग्रोथ, एक बेबी का ग्रोथ प्रॉब्लम दिखा सकता है, तो हम ग्रोथ में इशूज आ सकते हैं. ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया, ग्रोथ में इश्यूज आ सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, न्यूट्रिशन. तो ऑब्वियस है प्रॉपर न्यूट्रिशन एसेंशियल होता है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड के लिए. अगर माल नरिश्ड है बच्चा तो उसका ग्रोथ रिटार्ड हो सकता है अगर खाने पीने में इश्यूज हैं, अगर ज़्यादा खाता है या फिर कम भी खाता है, दोनों ही हार्मफुल होता है. इंटेलिजेंस, हायर इंटेलिजेंस, लोअर इंटेलिजेंस, बहुत वेराइटीज़ के बच्चे हैं, वो डिपेंड करता है आपके सराउंडिंग एंड हेरिडिटी के ऊपर, न्यूट्रिशंस के ऊपर भी. इमोशनल क्लाइमेट ऑफ होम, तो समटाइम्स क्या होता है ना, हम ऐसे फैमिली में बिलोंग करते हैं कि ऑलवेज वो हमें मिसयूज़ करें, हमें मारे पीटे, हमारे गलतियों पे हमें खाना ना दे, टॉर्चर करे, तो इसमें बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है. अगर बच्चे को हम हमेशा लव, केयर, अफेक्शन एंड पॉजिटिविटी के साथ बड़ा करें तो जल्दी ग्रो करता है. हेल्थ ऑफ द चाइल्ड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इफ द चाइल्ड फ्रीक्वेंटली फॉल्स सिक, बहुत ज़्यादा वो बीमार पड़ता है, कुछ डिसऑर्डर है, डिजेबल्ड है या डिस्टर्ब्ड है, तो उनका बॉडी में सफर जो कर रहे हैं उसके वजह से भी डेवलपमेंट में इश्यूज आ सकते हैं.
नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टिमुलेशन, हम कितना बच्चों को सपोर्ट करते हैं, कितना अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को देते हैं, कितने ग्रोथ उसका हो रहा है देखते हैं, ये भी एक पॉइंट है. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट बाई डिसाइडिंग काइंड ऑफ न्यूट्रिशन. अभी एक बच्चे को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिल रहा होगा क्योंकि उसके फादर एक बड़े जॉब में है, और एक बच्चे को बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वालिटी का खाना मिल रहा होगा, तो दोनों के डेवलपमेंट पे भी इशू होगा. ठीक है, सेक्स. अभी देखो ये होता है आपके ऑल चाइल्ड और चिल्ड्रन फॉलो द सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, ये तो बोला था. कभी कुछ स्किल्स में फास्टर हो जाते हैं गर्ल्स, तो कुछ स्किल्स में फास्टर हो जाते हैं बॉयज़. अगर मैं लैंग्वेज एक्विजिशन बोलूँ ना, लैंग्वेज सीखने का तरीका, तो गर्ल्स जल्दी सीखते हैं. अगर जंपिंग कैचिंग ये बोला जाए तो वो सब बॉयज़ ज़्यादा जल्दी सीखते हैं. ठीक है, सेक्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मतलब पोटेंशियल में, कैपेसिटी में, आपका स्ट्रेंथ में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले कर रहा है. बॉयज़ ग्रो अप टू टॉलर, बहुत बड़े होते हैं, लंबे हो जाते हैं, हैवियर भी होते हैं, मोर मस्कुलर होते हैं देन दी गर्ल्स. अभी अगर मैं प्रोग्रेस बिफोर बर्थ देखती हूँ तो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रायनिक स्टेज, फिटल स्टेज. अगेन बोल रही हूँ, जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रायनिक स्टेज एंड फिटल स्टेज. जर्मिनल स्टेज फर्स्ट टू वीक्स कंसेप्शन होता है, जहाँ पे इम्प्लांटेशन और फॉर्मेशन ऑफ द प्लासेंटा होता है बेबी रहने के लिए. एम्ब्रायनिक स्टेज 2 weeks to 2 months चलता है, यहाँ पे वाइटल ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स फॉर्मेशन होते हैं. फिटल स्टेज 2 months to birth होता है, इस स्टेज में बच्चों का कैपेबिलिटी बिगिन होता है, उनका ब्रेन सेल डेवलप होता है, उसके अकॉर्डिंग उनका एज भी हमें पता चलता है. नेक्स्ट, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रही हूँ आपको, इन्फेंसी देर आर चार स्टेजेस इन डेवलपमेंट, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस. ये मैंने पढ़ाया था. इन्फेंसी स्टेज में क्या क्या होता है, हम लोग शॉर्ट ट्रिक से याद रखें, यूज़ ऑफ सेंसेस, सेंसेस का ज़्यादा यूज़ होगा, रिफ्लेक्स एक्शन काम करेगा, इमिटेशन, बच्चा 0 to 2 years का है तो पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं. इस टाइम पे पता है ग्रोथ पीरियड बोला जाता है, फास्टेस्ट ग्रोथ पीरियड ऑफ द लाइफ. इस टाइम पे बच्चा वर्क टॉक करना स्टार्ट करता है, लर्न टू ईट सॉलिड फूड, सॉलिड खाना खाना स्टार्ट करता है, डेवलपिंग ट्रस्ट, किसी को भरोसा करना, स्पेशली मदर एंड फादर को भरोसा करना स्टार्ट करता है. मोटर एक्शन लर्न, इस टाइम पे बच्चा जंप, रन, ये सब भी धीरे धीरे सीख रहा है, वर्किंग धीरे धीरे सीखता है, तो इसलिए मोटर एक्शन लर्न बोला गया. फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट फास्ट है, इसको प्ले एज एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस भी बोला जाता है. इस स्टेज में बच्चा ऑब्जेक्ट को पकड़ पकड़ के सीखता है. प्ले एज को कन्फ्यूज मत हो जाना, प्ले एज मतलब बच्चा खेलना कूदना स्टार्ट करता है. बट अगर मैं बोलूँ कि आज के टाइम पे प्ले एज और कौन से स्टेज को बोला जाए, तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड को एक्चुअल में प्ले एज विथ टॉय एज भी बोला गया है. ठीक है, सो अर्ली चाइल्डहुड में क्या है देख लेते हैं. अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज बोला गया, प्री स्कूल एज बच्चा स्कूल जाने से पहले का एज बोला गया, गैंग एज बोला गया क्योंकि दोस्त बनने वाले हैं, सोशलाइज्ड बच्चा होना स्टार्ट करेगा, सो दैट गैंग एज, प्री गैंग एज. क्रूशियल स्टेज है लर्न मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज बच्चा बहुत बाहर जाता है, बहुत लोगों से मिलता है, तो समटाइम्स क्या होता है ना, गंदे लैंग्वेज, फिल्दी लैंग्वेज को भी सीखना पड़ जाता है, मतलब सीख लेता है वो, तो इसलिए ये क्रूशियल स्टेज है. सेल्फ सेंटर्ड है, खुद के बारे में ज़्यादा सोचता है, ईगो सेंटर्ड है, खुद के लिए ही सोचता है, दूसरों के लिए नहीं सोचता. लेटर चाइल्डहुड पीरियड एक्चुअली आपका 3 to 6 के बाद का है, मतलब 6 to 12 एज का. इस टाइम पे बच्चा लॉजिकल रीजनिंग करना स्टार्ट करेगा, तर्क लगाना, हाई इंटरेस्ट इन द साइंस फिक्शन, साइंस के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें इंटरेस्ट उसका ज़्यादा आता है. यूज़ ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड, यहाँ पे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड का यूज़ करता है. इसको ट्रबल सम एज भी बोलते हैं, स्कूल एज बोलते हैं. स्यूडो मैच्योरिटी बच्चों को आ जाता है, गैंग एज भी बोला जाता है. एडोलेसेंस स्टेज जो है ना वो 12 to 18 में है, एज पीरियड का है, और इस एज को बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन दी लेटर चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड. ठीक है, इस टाइम पे बच्चा हीरो वर्शिप करता है, मतलब जो उसके फेवरेट होते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस उसको उस जैसा बनने का उसका फैन बन जाता है, उसको पूजा करता है, ऐसा फीलिंग ऑफ रिवोल्ट. इस टाइम पे लीडरशिप कैरेक्टर बच्चों का डेवलप होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस भी होता है, इसलिए वो इमोशनल डैमेज रहते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड बोला गया. इस पीरियड को स्टैनली हॉल के थ्रू बोला गया है स्ट्रेस एंड स्ट्रोम का पीरियड है. ठीक है, देखो अभी डोमेन्स और एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी ने बोला, तो मेनली हम लोग 4 डोमेन्स करते हैं, कॉग्निटिव, फिजिकल, लैंग्वेज एंड सोशियो इमोशनल. ठीक है, तो देखो कॉग्निटिव मतलब क्या हो गया, दिमाग का विकास होगा, तो लर्निंग, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इमेजिनेशन करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड मेमोरी में यूज़ होगा. फिजिकल में 2 types के, फिजिकल को मोटर डेवलपमेंट भी बोलते हैं, एंड फिजिकल में ही मोटर डेवलपमेंट के साथ साथ 2 types के स्किल्स डेवलपमेंट होंगे. अगर छोटे छोटे फिंगर्स का यूज़ कर रहे हो, जैसे लाइक आई एम होल्डिंग ए पेन, पेन को होल्ड करने के लिए जो मसल्स यूज़ होते हैं वो फ्लेक्सर्स मसल है, एंड इसलिए इसको फाइन मसल्स बोले गए. ठीक है, फाइन मोटर स्किल. अगर बड़े बड़े मसल्स का यूज़ हो रहा है, जैसे कि कोई चीज़ को हैवी चीज़ है उसको उठा रहे हो, तो ये मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है, रन करो, जंप करो, वर्क करो, तो उस टाइम पे ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज़ होता है.
हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ लिख रहे हो, देख रहे हो, उसके साथ काम कर रहे हो, तो उसको करने के लिए हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लैंग्वेज, कम्युनिकेशन विद अदर्स के लिए चाहिए, हम जो सोसाइटी से सीखते हैं लैंग्वेज। एंड लर्निंग एंड इंटरप्रेटिंग साउंड, साउंड प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉकिंग वोकैबुलरी सीखना, रिटन लैंग्वेज स्किल। सोशियो इमोशनल में जो भी हम लोग सीखते हैं ना, वो प्ले के थ्रू ही सीखते हैं, एंड इस टाइप के प्ले को सोशल प्ले बोलते हैं, जो रोल प्ले होता है, जहाँ पे हम सोशल रिलेशनशिप को पाते हैं, सेल्फ एस्टीम भी है, और हम अंडरस्टैंड करते हैं एक्सप्रेशंस को एंड एक्सप्लेन करते हैं अपने आप को, इंटरप्रेट करते हैं। लास्ट पॉइंट आज का क्लास का जो है, द सिक्स स्टेजेस ऑफ प्ले। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी पूछा नहीं जाता, जब पढ़ रहे हो ना तो डिटेल्ड पढ़ो। यूट्यूबर्स बहुत लिमिटेड पॉइंट पे बोलेंगे, जहाँ पे आप फर्दर जब एग्जाम्स कोई भी दोगे तो वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि क्या और पढ़ना था हमें, तो हम थोड़ा डिटेल चल रहे हैं। बट गारंटीड है कि 10-12 डेज में ये पूरा हमारा जो सेशन चल रहा है ओटेट वाला 2024 का, वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड अपकमिंग 2024, 2025, 2026 जितने भी बच्चे रहेंगे उनके लिए हेल्पफुल होगा, जब भी चाहो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सो पहला पॉइंट है अनऑक्युपाइड प्ले। अनऑक्युपाइड प्ले 0-3 मंथ्स में होता है, मतलब इस टाइम पे बेबी क्या करता है, मेकिंग मूवमेंट्स, बेबी मूव करना स्टार्ट करता है, एंड उनके आर्म्स का यूज़ होता है, लेग्स का यूज़ होता है, हैंड्स का यूज़ होता है, फीट का यूज़ होता है। इस टाइम पे बेबी मूव सीखता है, धीरे धीरे छोटा छोटा मूव्स लेना स्टार्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, 0-2 ईयर्स में जो होता है सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी मतलब अकेले खेलना, व्हेन ए चाइल्ड प्लेज अलोन एंड आर नॉट इंटरेस्टेड प्लेइंग विद द अदर क्वाइट ईच। फिर क्या होता है, स्पेक्टेटर और ऑनलुकर बिहेवियर, 2 ईयर्स से एवॉग में है, 2 ईयर्स के बच्चे ही ज़्यादा करते हैं। इस टाइम में बच्चा क्या करता है, व्हेन ए चाइल्ड वॉचेस, देखता है, ऑब्जर्व करता है कि बच्चे खेल रहे हैं बट उसको खेलने का मन नहीं है उनके साथ, तो उसको बोलते हैं स्पेक्टेटर और ऑनलुकर बिहेवियर प्ले। पैरेलल प्ले क्या है, व्हेन ए चाइल्ड प्लेज अलोंग साइड और नियर टू अदर्स बट डजंट प्ले विद देम। मैं भी खेल रही हूँ, आप भी खेल रहे हो, जो 2+ ईयर्स के बच्चे हैं, बट उनके साथ नहीं खेलना, मुझे आपके साथ नहीं खेलना, पास पास बैठ के खेलना है, बट अकेले अकेले खेलना है, तो इसको हम पैरेलल प्ले बोलते हैं। एसोसिएट प्ले 3-4 ईयर्स के होते हैं बच्चों के लिए है, उस टाइम के बच्चे प्ले करते हैं इसको, जब एसोसिएट मतलब सब मिल के खेलेंगे, जब हम लोग इंटरैक्ट करते हैं दूसरों से खेलने के लिए, बट इसमें कोऑपरेशन देयर इज़ नॉट मच कोऑपरेशन रिक्वायर्ड, कोऑपरेशन ज़्यादा चाहिए नहीं, एक साथ खेल रहे हैं, एक साथ चीज़ों पे जा रहे हैं, डूइंग डिफरेंट थिंग्स। ऐसा भी हो सकता है एक ही प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, कभी कभी मिलकर खेलते हैं, कभी अकेले खेलते हैं, एसोसिएट। कोऑपरेटिव प्ले जहाँ पे बच्चे एक साथ खेलते हो, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हो, प्लेइंग एक साथ होता हो, तो रिजल्ट भी एक साथ आएगा। 4+ ईयर्स के बच्चे ये खेलते हैं। सो आज के अकॉर्डिंग पूरा कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एडोलेसेंस पीरियड का पूरा डिटेल्ड और थोड़ा करना है आपको, तो आपका पहला यूनिट का हाफ पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं फटाफट उसके आंसर्स के साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में, एडोलेसेंट पीरियड के बाद ही। एंड कैसा लगा आप जरूर मुझे मेंशन करना, एंड होपफुली अगर अच्छा लग रहा हो एंड इस सेशन को अगर कंटिन्यू रखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हो, अगर हेल्पफुल है, तो ज़रूर मैं इसे कंटिन्यू करूँगी।